हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी बाकी वीडियोस की तरह लास्ट में एक पज़ल है। आप उसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही अच्छा सा पज़ल है, इंटरेस्टिंग सा है, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हम लोग लेते हैं, जिसका नाम है हेरोंस फॉर्मूला। क्या नाम है? हेरोंस फॉर्मूला। वो देखते हैं हम लोग क्या होता है। अब हेरोंस फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। देखो, ये फॉर्मूला पहली चीज रिलेटेड है एक ट्रायंगल से, कि एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है ना। अब ट्रायंगल का एरिया सॉरी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए पहले भी आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे होंगे, जैसे कि पहले मैं इससे पहले और भी दो चार फॉर्मूला बताता हूँ कि एक ट्रायंगल है ABC, है ना, इसका एरिया चाहिए। तो उसका एरिया हम लोग लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D, तो हाफ इंटू इसका एरिया मैं ऐसे लिखूंगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AD, है ना। ये एरिया एक होता है। या फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए तो उसका एरिया क्या होगा? ABC। तो ABC का अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या लिखूंगा? सीधा एरिया हाफ इंटू बेस BC इंटू इसकी भी हाइट AB। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किधर से आया? तो किधर से आया, तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ का यूज करके बाकी सब कुछ का एरिया आया है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ का यूज करके एक पैरेललोग्राम का एरिया आया, उसका यूज करके एक ट्रायंगल का एरिया आया, है ना, उसका यूज करके एक सर्कल का एरिया भी उसके थ्रू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया यूज करके बाकी हर एक एरिया को डिफाइन किया जाता है। तो फिर रेक्टेंगल का एरिया कैसे प्रूव करेंगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है? वो प्रूव नहीं किया जा सकता है। क्या बोला मैंने? कि कोई भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये प्रूव नहीं किया जा सकता है। अगर आपको कोई बताता है कि इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं तो वो गलत है, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को यूक्लिड ने बताया था। यूक्लिड ने बताया था कि भाई ये एरिया होता है ना। यूक्लिड्स एक्जियम एक डिफरेंट सा एरिया का एक्जियम यही हुआ, यही था कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। वहाँ से ये चलते आ जा रहा चल यूज़ करते आ रहे हम लोग, ये वहाँ से चलते आ रहा है, ये है ना। इसको प्रूव नहीं कर सकते, बाकी सब एरिया इसका यूज करके प्रूव होता है, ठीक है। बाकी अगर एक आपको एक समबाहु त्रिभुज का एरिया चाहिए, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए, वो क्या होता है? इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर इक्विलैटरल है तो क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। मैं सारे एरियाज यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, मेंसुरेशन का पार्ट है, क्योंकि मेंसुरेशन में क्या होता है, एरियाज पेरीमीटर्स ये सब फाइंड करना है ना। तो मैंने आपको बताया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने बताया आपको हाफ इंटू BC इंटू AB, मैंने आपको ये किसके लिए बताया? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बताया, है ना। और यूक्लिड का एक्सियम बताया कि लेंथ इंटू ब्रेथ, उसी का यूज करके आप धीरे धीरे देखोगे तो ये सब कुछ आ सकता है। तो इन सब के अलावा सब में हाइट का यूज हो रहा है, सब में कुछ बेस का यूज हो रहा है, सब में यही हो रहा है, तो क्या इन सब के अलावा भी किसी फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है? क्या कोई फॉर्मूला आ सकता है जिससे हम लोग सिर्फ साइड्स का यूज करके एरिया बता पाए? बिल्कुल आ सकता है, वही होता है हेरोंस फॉर्मूला। क्या होता है? हेरोंस फॉर्मूला। अब हेरोंस फॉर्मूला क्या होता है देखो, ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल ABC में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू √, अगर ये साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ बी है, ये सी है। ए क्या है? BC का लेंथ। ठीक है, बी क्या है? AC का लेंथ, जिसके अपोजिट रहता है। वर्टेक्स बी के अपोजिट है तो उसे बी बोल दिया, वर्टेक्स ए के अपोजिट है उसे ए बोल दिया, वर्टेक्स सी के अपोजिट है तो उसे स्मॉल सी बोल दिया। तो वो होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C।
वेयर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। ये होता है एस, जिसको क्या बोला जाता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बोला जाता है। एस का मतलब ये हो जाता है, तो ये एरिया आ जाता है। तो मेरी एक आदत है, मैं हर चीज का रीजन ढूंढता हूँ कि आखिर इसका कारण क्या है, क्योंकि मैथ्स में बहुत ही कम चीजें हैं जो फैक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता है, बाकी हर चीज को प्रूव किया जा सकता है। कुछ चीजें हैं जैसे मैंने आपको एग्जाम बताया, रेक्टेंगल का एरिया बताया, प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ये फॉर्मूला भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा। हेरन्स जो एक मैथमेटिशियन था, उसने इस फॉर्मूला को लाया, तो उसने कैसे लाया, क्या यूज किया उसने, तो चलिए मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूं कि हेरन्स फॉर्मूला कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल ले लेता हूं, उस ट्रायंगल में सिर्फ तीन चीजें पता है, ए बी सी। क्या होता है कि डेरिवेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं हर चीज को डेराइव करने का कोशिश करता हूं, और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि कोशिश खुद से करते रहा करो, उससे ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है ना। तो अपने को बेसिक क्या पता था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ इनटू बेस, उसको तो ए बोल देता हूँ, बस एबीसी पता है ना, ये ए पता है, ये लाइन नहीं देता हूँ मैं, ये बी, ये सी, तो हाफ इनटू ए इनटू हाइट। अब हाइट मैं कुछ ले लेता हूँ, सपोज एच ले लिया, हाइट, हाइट क्या ले लिया, एच ले लिया, ये परपेंडिकुलर है, तो ए इंटू एच। अब अपना टारगेट क्या है कि इस एच को रिप्लेस करना, एच को यहां से हटाना, एच की जगह पे ए बी या सी में से कुछ आ जाना है ना। तो वो कैसे करेंगे देखो, तो यहां पे ये पॉइंट को पहले तो मैं डी बोल देता हूं, दिस इज डी, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, होने के बाद आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ नहीं था, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल में बताओ बी डी का लेंथ क्या होगा, बी डी का लेंथ होगा रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा, बी डी का लेंथ क्या होगा, रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, उसे अपने पास रख लेते हैं, ओके। उसी प्रकार इन ट्रायंगल ए डी सी, सी डी का लेंथ क्या होगा, रूट ओवर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, यहाँ पे भी पाइथागोरस, ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ, सी डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ओके। अब एक बात बताओ, बी डी प्लस सी डी इक्वल्स टू क्या है, ए है ना, है ना, बी डी प्लस सी डी क्या है, ए है, तो मैं बी डी को रख देता हूँ रूट सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और सी डी को रखता हूँ रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बहुत सिंपल है, इक्वल्स टू ए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एच आ चुका है, अब एच का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एच का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये इक्वल्स टू मैं ए माइनस रूट सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख देता हूँ। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस रूट सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस था क्या, नहीं सी स्क्वायर माइनस था ना, यहाँ हमने प्लस लिख दिया, चेंज कर देता हूँ, यहाँ माइनस था बी डी का लेंथ, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, है ना, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस टू ए इंटू रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ओके। ये क्या इक्वल्स टू है, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू है, तो एच स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो देखो मैं सीधे लिख रहा हूँ टू ए रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, इसका स्क्वायर रूट टू ए उधर चला गया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए, है ना। तो अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करते हैं, सी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको मैं पूरा ओपन नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे रहने देते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से सीधे ही लिखता हूँ, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, क्या
उससे क्या आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या होगा कि कई लोग बीच में ही रुक जाएंगे, मुझे क्या है कि मज़ा आता है ऐसे कैलकुलेशन करने में, एक अलग ही इंटरेस्ट आते रहता है, तो मैं ये करते रहता हूँ। ये क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू है, तो इसे मैं टू ए सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिखता हूँ बाय फोर ए स्क्वायर। ये इक्वल्स टू क्या होगा, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना बाय फोर ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी, ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी क्या बी स्क्वायर साथ में लिखता हूँ माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाय फोर ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू। ये देखो फिर से क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी, चलो इसको अभी ऐसे रहने देता हूँ, ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी होल स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर। अब ये वापस से ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी है ना, और ये क्या आ गया बी प्लस ए माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस सी बाय फोर ए स्क्वायर। ये क्या इक्वल टू आया था, देखो ध्यान से एच स्क्वायर इक्वल टू आया था, तो एच स्क्वायर ये लिख देता हूँ, तो एच क्या आ जाएगा इसका पूरा स्क्वायर रूट, इसको अब अच्छे से लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा। अब ध्यान से देखो, अब इस चीज़ को नाम दे दिया कि चलो ए प्लस बी प्लस सी कुछ तो होता था ना, जिससे कि कुछ एक अच्छा सा वैल्यू बने, तो यहाँ पे एक नाम दे दिया गया ऐसे कि लेट, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर होता है ट्रायंगल के तीनों उसका सम, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय टू को बोल दिया कि ये होता है एस। तो बताओ यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, टू एस। ऐसा क्यों किया आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब h इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, अब h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस बी प्लस सी टू एस। बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ, देखो a इधर जाएगा तो टू एस माइनस ए हो जाएगा, और पहले से एक और a है। c प्लस ए को क्या लिख सकता हूँ, टू एस माइनस बी, पहले से एक b है। और a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, टू एस माइनस सी, और पहले से एक c है डिवाइडेड बाय क्या था, फोर ए स्क्वायर। अब रूट अंदर 2s, ये 2s माइनस 2a, तो 2 बाहर ले लूँ क्या बचेगा, s माइनस a, और यहाँ क्या आया 2s माइनस 2b, 2 बाहर ले लिया s माइनस b, अब ये 2s माइनस 2c, 2 बाहर ले लिया s माइनस c डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। देखो 2 2 4 ख़त्म हो गया, अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया, s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c, और ये 2 से एक 2 बाहर आया, और a स्क्वायर से a बाहर आ गया, ये क्या आ गया h। अब याद करो एरिया क्या था, थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन ज़रूरी है, इससे क्या है कि आप खुद से एक दो बार प्रैक्टिस करो, तो सिर्फ ये फॉर्मूला डेराइव करना आप नहीं सीखोगे, आप कैलकुलेशन करना सीखोगे, आप सिंप्लीफाई करना सीखोगे कि किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह से हम लोग एक टारगेट को पूरा करते हैं। तो ये चीज़ आप वो चीज़ें और भी सीखना चाहते हो तो ऐसे ही कई सारी चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करते रहा करो, उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये एरिया क्या था, हाफ इंटू ए इंटू एच लिख देता हूँ, हाफ इंटू ए इंटू एच, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू एच। अब एच का वैल्यू रख दो यहाँ पे, ए इंटू एच कितना आया, टू बाय ए रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ गया। तो ए ए ख़त्म हुआ, टू टू ख़त्म हुआ, ओके क्या बचा, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ओके ये आ गया एरिया। यही बोला गया था ना हेरन्स फॉर्मूला, है कि नहीं, देखो मैंने किस तरह से उसे डिराइव कर दिया। तो आपको सजेशन ये है कि आप एक बार ये वीडियो देख लिया आपने, अब इस चीज़ को खुद से प्रैक्टिस करो। क्या है कि हेरन्स फॉर्मूला को सब बहुत ही कम आंकता है कि इसमें तो एक फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला याद कर लिया, क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, अच्छी बात है, लेकिन ये फॉर्मूला किधर से आया ये बहुत कम लोग सोचते हैं, और वही जो सोचते हैं
उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो ज़्यादा सीख पाते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि कैसे डेराइव करते हैं, आप देखो ध्यान से, बट ये चीज़ आप खुद से भी करो। मैंने बिल्कुल सिंपल सा मेथड यूज़ किया कि पता क्या है, फाइंड क्या करना है। मुझे हमेशा यही सिर्फ दिखता है कि क्या पता है, निकालना क्या है। निकालना क्या था? एरिया। एरिया के लिए क्या चाहिए था? बेस और हाइट। बेस पता था, ए हाइट की ज़रूरत थी, तो हाइट मैंने निकाल लिया, है कि नहीं। तो इस तरह से आप हेरेंस फॉर्मूला को डेराइव कर सकते हो। ओके, आप ये खुद से भी ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया। ओके, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं? क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल होता है। आपको तीनों साइड पता है, आपको एरिया निकालना है। जैसे कि एक एग्जांपल एरिया, आपको मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ जो यहाँ मैंने ये फॉर्मूला किया है ना, ये एक ज़माने में जब एडवांस मैथ्स हुआ करता था बिहार बोर्ड में, तो मुझे जब पापा पढ़ाते थे तो ये एक फॉर्मूला उन्होंने मुझे पढ़ाया था। ये एक फॉर्मूला तभी हुआ करता था जो मुझे अभी तक याद है। अब के पढ़ाई में इतना कुछ यूज़ नहीं होता है, आपको ये सब चाहिए तो और भी हायर लेवल का एडवांस मैथ पढ़ना पड़ता है। वो फॉर्मूला मुझे भी याद आ रहा है, तो मैं वो लिख देता हूँ। 2b² c² + 2c² a² + 2a² b² - a4 - b4 - c4 this equals to a + b + c into b + c - a into c + a - b into a + b - c। मुझे ये चीज़ देख के वो याद आया, इसलिए मैंने आपको वो बता दिया कि ये एडवांस मैथ में ये फॉर्मूला पढ़ा करते थे। जैसे आप लोग फॉर्मूला देखते हो ना, a + b² a - b² a² - b², तो तभी ये नॉर्मल सिलेबस में नहीं होता था। ये कब होता था? एक एडवांस मैथ हुआ करता था बिहार बोर्ड में, एडवांस मैथ हुआ करता था, उसके अंतर्गत ये ऐसे ऐसे फॉर्मूला आते थे। सोचो, ये एक फॉर्मूला था। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, वो हम लोग किया करते थे, है ना। इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हुआ करता था। खैर, अभी तो सिलेबस बहुत कम हो गया है, अभी की बात अलग है। तो अभी तो कम हो गया, आपके लिए अच्छी बात है, तो आपको और भी अच्छे से उसको पढ़ाई करके और अच्छा मार्क्स लाना चाहिए, है ना। तो चलो, एक फॉर्मूला भी आपको ऐसे ही मिल गया। वैसे आप ट्राई कर सकते हो, है ना। अगर आपको इंटरेस्ट हो, कैलकुलेशन में मज़ा आए, है ना, तो आप ट्राई करो इसे प्रूव करने का। ऐसा नहीं कि RHS से स्टार्ट किया, RHS को मल्टीप्लाई कर दिया, LHS के बराबर ले आया। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। आप LHS से स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करो और ट्राई करो इसे फैक्टराइज करने का इस फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में फैक्टराइज करने का ट्राई करो। मैं ये होमवर्क की तरह नहीं दे रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट है, अगर मैथ्स में मज़ा आता है तो ये करो। इसको कहते हैं असली मज़ा मैथ्स में, ठीक है। अगर ये कर लिया तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ, आपको ठीक ठाक मतलब इंटरेस्ट है मैथ्स में। तो ये चीज़ ट्राई करो प्रूव करने का, देखते हैं कौन कर पाता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस्ड एक दो एग्जांपल कराता हूँ। जैसे पहला एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा होगा कि दी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर and its sides are in the ratio 13:12:5, find the area of the triangle। अब क्या है कि sides का ratio पता है, perimeter पता है ना, तो उसका एरिया बताना है। ये बहुत सिंपल है, कई लोग आराम से कर सकते हैं। तो रेशियो पता है, तो बचपन से आपने ये देखा होगा कि रेशियो पता है तो हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि मान लो पहला साइड है 13x, दूसरा साइड है 12x और तीसरा साइड है 5x, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना पता है? पेरीमीटर पता है 450 मीटर। तो लिख दिया a + b + c / 2 पेरीमीटर तो ए प्लस बी प्लस सी होता है ना। ये इक्वेशन कितना है? 450। ए कितना था? 13x। बी कितना था? 12x। सी कितना था? 5x = 450। कितना आ गया? 30x = 450। सो x = 15। x 15 आ गया, तो साइड कितना था? 13x। मैं सीधे कितना लिख दूँ? 13 × 15 कितना आ गया? 195 मीटर। दूसरा साइड कितना था? 12x, तो कितना आ गया? 12 × 15 = 180 मीटर।
तीसरा साइड सी इक्वल टू कितना था, 5x इक्वल टू क्या आ गया, 5 × 15 दैट इज 75 मीटर। अब तीनों साइड लेंथ आ चुका है, चाहिए क्या एरिया, चाहिए एरिया के लिए और क्या चाहिए, पहले तो एस चाहिए, एस कितना होता है, ए सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। अब ऐसा नहीं कि ये तीनों को ऐड करने लगेंगे, ए प्लस बी प्लस सी पहले से पता था 450 है ना, तो 450 बाय टू दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 225। अब एस पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो एरिया क्या लिखूंगा, हैंस एरिया इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी दैट इज इक्वल टू रूट एस का वैल्यू कितना है 225 × 225 × ए का वैल्यू 195 था, 225 × बी का वैल्यू 180 × 225 × सी का वैल्यू कितना था 75। अब आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो बट स्टिल मैं कर देता हूँ, 225 × ये आएगा 30, ये आएगा 45, ये आएगा 150 है ना। इसके आगे कर लेना, आंसर आएगा 6750 m². ठीक है, तो ये यूज़ होता है किसका, हेरेंस फॉर्मूला का। अब हेरेंस फॉर्मूला से आपने एक ट्रायंगल का एरिया बताया तो एक क्वाड्रिलेटरल का भी बता सकते हो है ना। तो चलिए इस पे बेस्ड, मैं इसमें ज़्यादा एग्जांपल ना कराते हुए आपको इस पे बेस्ड दो चार होमवर्क दे देता हूँ, आप उस होमवर्क को कीजिए। पहला होमवर्क है ये, दी पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपको पता होगा, हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। ठीक है, बेस भी सेम है, एरिया भी सेम है। ठीक है, आपको समझने में नहीं आ रहा मैंने कैसे लिखा है, तो मैं बोल रहा हूँ आप वो सुन के लिखो। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो दो होमवर्क इस पे दिया मैंने। तीसरा आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ कि सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल का तीनों साइड लेंथ पता है ए बी सी। ठीक है, अब अपने को चाहिए किसका लेंथ, तो लेंथ चाहिए अपने को इसका एक बीच में जो पॉइंट है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइड्स को टच करे, तो उसके सेंटर से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर होगा। सबसे बड़ी बात, तीनों इक्वल भी होगा क्योंकि वो तो रेडियस है ना। तो ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, वो रेडियस है। तो यही आर का वैल्यू चाहिए मुझे इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है।
ये आर इक्वस टू होता है ट्राइंगल का एरिया बाय उसका सेमी पेरीमीटर। कितना सिंपल फॉर्मूला है देखो, किसी भी ट्रायंगल का इन रेडियस, इन रेडियस मतलब उसका जो इन सर्कल जाता है जो तीनों साइड्स को टच करके जाए, उस सर्कल का रेडियस इज उस ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय उस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। देखो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, वो पॉइंट को चलो मैं ओ बोल देता हूँ। ये पॉइंट को क्या बोला मैंने? ओ। तो ये पॉइंट अगर ओ है तो बताओ, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं बोल देता हूँ कि डेल्टा है, वो आप हेरन्स फॉर्मूला का यूज़ करके कर सकते हो, वही लिखा है ना, ये इसका मतलब होता है एरिया, डेल्टा मतलब क्या हो गया एरिया, तो वो एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर करने पे इन रेडियस आ जाता है। वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि एरिया इक्वल्स टू डेल्टा है, वो एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है डेल्टा गिवन है, वो आप हेरन्स फॉर्मूला का यूज करके निकालो वो चलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओए इक्वल्स टू एरिया डेल्टा, है ना। अब एओबी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके लिए बेस क्या है? सी है, एओबी में ध्यान से देखो, और हाइट क्या है? आर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। बी ओ सी को देखो क्या है? हाफ। बेस क्या है? ए। आर उसका हाइट है। सी ओ ए को देखो, हाफ इंटू बेस क्या है? बी। और क्या है? आर इक्वल्स टू डेल्टा। देखो ये आ चुका है, आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय टू इक्वल्स टू डेल्टा। अब ए प्लस बी प्लस सी बाय टू देख के क्या याद आता है? सेमी पेरीमीटर। तो देखो कितना सिंपल था, लेकिन ये अगर किसी कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन पूछ देता है तो हम लोगों से नहीं हो पाता है, कितनी सिंपल बात थी ना। तो इन रेडियस इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस, आप ये भी याद रखो, ठीक है, इस पे बेस्ड भी कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसके बाकी क्वेश्चंस जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको, हेरेंस फॉर्मूला कैसे प्रूव किया वो सब करो। मैंने यहाँ पे एक आपको फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन दिया, ट्राई करो, देखते हैं कौन कर पाता है। और बाकी बुक से सारे क्वेश्चन करो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आगे हम लोग करेंगे। ओके, तो अब आते हैं आज के पजल पे। आज का पजल बहुत सिंपल है, मुझे लगता है जैसे कल का पजल भी कई लोगों ने आंसर दिया, अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत लोगों ने आंसर दिया उस पज़ल का, गुड। आज का पज़ल बहुत सिंपल है, सिर्फ मैं बोलूँगा, आपको सुनना है, आंसर देना है। एक पुराने घर में जहाँ ना कंप्यूटर है ना मोबाइल है ना कोई भी आधुनिक साधन नहीं है, ठीक है, बहुत पुराने घर में, वहाँ पे आठ भाई, एट, आठ भाई छुट्टियाँ बिता रहे हैं, आठ भाई छुट्टियाँ बिता रहे हैं। अब छुट्टियाँ किस तरह से बिता रहे हैं आप सुनो, कोई भी आधुनिक साधन तो है नहीं, तो पहला भाई कॉमिक्स पढ़ रहा है, दूसरा भाई शतरंज खेल रहा है, तीसरा भाई खाना पका रहा है, चौथा भाई सो रहा है, पांचवा भाई घर की साफ सफाई कर रहा है, छठा भाई पौधों को पानी दे रहा है, सातवां भाई कुछ लिख रहा है, तो बताओ आठवां भाई क्या कर रहा है? सुन लिया क्वेश्चन, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक पुराने घर में जहाँ कोई भी आधुनिक सामान नहीं है, कंप्यूटर मोबाइल या किसी भी प्रकार का कोई भी आधुनिक साधन नहीं है, वहाँ पे आठ भाई छुट्टियाँ मनाने गए। पहला भाई कॉमिक्स पढ़ रहा है, दूसरा भाई शतरंज खेल रहा है, तीसरा भाई खाना पका रहा है, चौथा भाई सो रहा है, पांचवा भाई घर की साफ सफाई कर रहा है, छठा भाई पौधों को पानी दे रहा है, सातवां भाई कुछ लिख रहा है, तो बताओ कि आठवां भाई क्या कर रहा है? ठीक है, सोचिए इसके बारे में और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जिसका भी आंसर आए। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते।